एक बार जरा ये आपको टैक्स लैब भी हमने पिछला जो न्यू टैक्स रिज्यूम जो पिछली बार का टैक्स रिज्यूम था वो और न्यू टैक्स रिज्यूम आपके लिए सामने सामने रख दिया है ताकि आप भी देख लें। पहले वाले में 3 लाख तक कोई चेंजेस नहीं है, दूसरे के बाद से चेंज शुरू होता है। जो पहले 3 से 6 वाले थे 5% में, वहां पर अब फायदा होगा 6 से 7 लाख कमाने वालों को, क्योंकि अब 3 से 6 की जगह 3 से 7 हो गया है। ऐसे ही 1-1 लाख का नेक्स्ट 3 स्लैब्स में है, जो 6 से 9 पहले था वो अब 7 से 10 हो गया है 10% वाला। उसके बाद से 9 से 12 जो 15% टैक्स देते थे वो अब 10 से 12 वालों के लिए हो गया है 15%। वहीं 12 से 15 और 15 के ऊपर वालों के लिए कोई बदलाव नहीं है। बीच के जो 3 स्लैब्स हैं उसमें मुझे लगता है कि 6 से 7 लाख कमाने वालों के लिए, 9 से 10 लाख कमाने वालों के लिए और वैसे ही 9 से 10 कमाने वालों के लिए थोड़ा फायदा होगा। अंजना जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए हर टैक्स पेयर को इससे बचत मिलेगी, क्योंकि हर स्लैब में जो जो इन्होंने किया है उसके द्वारा आप अगर आप 15 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं तो आपका जो टैक्स रेट है वो अपने उस वाले स्लैब में भी परिवर्तित होगा और इस कारण आपको भी 17,500 रुपए की बचत मिलेगी। यानी हर टैक्स पेयर को, मध्यम वर्ग को तो सबसे ज्यादा फायदा है, लेकिन हर टैक्स पेयर को इसमें 17,500 रुपए बचने वाले हैं। हर टैक्स पेयर को 17,500 बचने वाला है। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए एक तो ये टैक्स वाला मिडिल क्लास बहुत बड़ा है इस देश में और जो बिजॉन साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा बचेगा तो फिर वो स्पेंडिंग करेंगे, खर्च करेंगे, तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी इंडिकेटर्स आते हैं। लेकिन एमएसएमई पर जोर और ये 500 कंपनियों में जो इंटर्नशिप पर 1 करोड़ स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, ये एक बहुत आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वो स्किल सेट, देखिए ग्रेजुएट हो जाना लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो स्किल सेट चाहिए उसमें कहीं ना कहीं युवा पीछे रह जाते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अच्छी योजना है, और कम से कम जो अब तक सरकार जो डिनायल मोड में थी कि इस देश में बेरोजगारी नहीं है, कम से कम उसको एडमिट किया, और इस एडमिशन के साथ साथ एक चीज का मुझे लगता है अगर खुलासा होता कि जो बच्चे 1 साल के बाद इंटर्नशिप करके निकलेंगे तो उनके बाद उसके लिए रोजगार के रास्ते क्या हैं, क्या वो कंपनियां उनको एब्जॉर्ब करेंगी, अगर 1 साल के बाद अगर वो इंटर्नशिप करेंगे नहीं अगर कहीं एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है कि हम बार बार इनकम टैक्स के बारे में बातचीत करते हैं, और इनकम टैक्स में कितने परसेंट लोग हैं, 2 करोड़ 9 लाख लोग जो खाली इनकम टैक्स देते हैं, अगर उनके लिए अगर आप थोड़ा सा मामूली चेंज भी कर रहे हैं, इसके बजाय मुझे लगता है जो बेहतर होता कि आप टैक्स का बेस बढ़ाइए। जैसे अमेरिका के अंदर 50% लोग इनकम टैक्स देते हैं, फ्रांस में 78% लोग इनकम टैक्स देते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 2.2%। कैसे एड्रेस होगा, मतलब आज तक तो कोई इसका क्विक फिक्स खोज नहीं पाया इस देश में, अनेकों वित्त मंत्री हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप समझिए कि 7-8 लाख रुपए वाले तक जो लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इस कारण जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि बहुत कम हमारे देश में टैक्स पेयर हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो सालाना 7-8 लाख की तनख्वाह उनको मिल रही है, तो इसलिए कम टैक्स पेयर तो होंगे ही। जैसे जैसे वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था में, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे। आज के समय क्योंकि कंप्लायंस बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो इसलिए आज के समय जितने मोटा मोटी टैक्स पेयर हैं वो आज टैक्स नेट में पिछले साल देखिए डायरेक्ट टैक्सेस में 20% का इजाफा हुआ था कलेक्शन में। जल्दी से देखिए 2021-22 में क्या हुआ कि आपका टैक्स बेस बढ़ गया था, 4.3 करोड़ लोग देने लगे थे, फिर आपने एग्जेम्पशन दिया, घटकर 2.09 पे आ गया। अब ये जो प्रश्न है ना कि अचानक 50% लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, अगर आप बाकी में देखेंगे 15 लाख से ऊपर जो लोग टैक्स देते हैं उनकी संख्या सिर्फ 3% है। टैक्स पेयर्स में भी आशुतोष जी ये भी आपकी गलत फहमी है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैंने पहले ही कहा 7-8 लाख कमाने वाले लोग देश में कम है, इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस उनसे कम ही मिल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हर कोई दे रहा है ना, जीएसटी तो हर कोई दे रहा है, तो अगर आप टैक्स बर्डन देखें खासकर जिसकी कमाई कम है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन भी है, और इसलिए इससे ज्यादा हम लोग टैक्स बर्डन नहीं चला सकते हैं। वैसे ही अगर आप देख रहे हैं तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हम लोग सोच रहे थे अनुमान था 5.1% करेंगे, लेकिन उसको और कम करके 4.9% कर दिया गया है। तो जो मैंने कहा संतुलित बजट जिसमें जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उसको भी संभाला जाए,
टैक्स को भी कम किया जाए, कंजम्पशन को भी प्रोत्साहन दिया जाए, ये संतुलन इस बजट में बहुत ही काबिल तरीके से किया गया। 5.1% था माना जा रहा था, वो 4.9 जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है। टैक्स के बारे में भी जब उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम अनाउंस किया, क्या कुछ कहा है जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा जारी। इन द न्यू टैक्स रिजीम द टैक्स रेट स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड टू बी रिवाइज्ड एज फॉलोज। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 रुपीज इन इनकम टैक्स। तो हर टैक्स पेयर को लगभग 17,500 का फायदा होगा, ये ऐलान करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको बता रही थी। तो उस नजरिए से आप देखिए तो ये राहत है तमाम टैक्स पेयर्स के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अभी से ही पॉलिटिकली अगर आप देखिए, क्योंकि राजनीतिक रूप से हमारे देश में बजट सिर्फ एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला तो होता नहीं है, राजनीतिक भी बड़े इसके एंगल होते हैं। दुबे जी बैठे हुए हैं शिवसेना यूबीटी गुट से, तो उन्हीं से पूछते हैं। सीपीएम के एमपी हैं, वो लिख रहे हैं कि पहली बार देश की संसद में आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट पेश हुआ है। अब ये कैसा क्रिटिसिज्म है दुबे जी, ये तो समझ से परे है। नहीं नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, ये बिहार का बजट था जो पेश हुआ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए उसको उस परिप्रेक्ष्य में। बिहार और आंध्र प्रदेश से क्या दुश्मनी? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं है, वो हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन देश तो बहुत बड़ा है रंजना जी। अभी अभी आप अखिलेश जी का ट्वीट देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को क्या मिला। हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुंबई टैक्स देता है, सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है, उनको क्या मिल रहा है? जिस प्रकार की इंफ्रा हमें चाहिए, जिस प्रकार का उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, उत्तम शिक्षा चाहिए, वो जमीन पर कब दिखाई देगी? अंजना जी लड़ाई यही है कि आप एक कागज लेकर खड़े होते हैं, आप उसको पढ़ देते हैं, 2-4 घंटे इस पर चर्चा होती है, फिर अगले साल के बजट का इंतजार होता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, एक एक अंकुश होना चाहिए सरकार का अधिकारियों पर, अधिकारियों का जमीन पर, कि कम से कम जो बजट आप पढ़ रहे हैं उससे लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव आए। हम जब सुबह लोकल ट्रेन में चढ़े तो हमें सीट मिल जाए करे, हम उस लोकल ट्रेन में अगर खड़े खड़े 2 घंटे का सफर कर रहे हैं तो आपके इस झुनझुना वाले बजट से कोई लाभ नहीं होने वाला। आंध्र प्रदेश और बिहार को आप झोली भर भर के दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अटक से कटक के लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यह देश 140 करोड़ लोगों का है। अगर आज भी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देंगे, तो क्या बजट दिया आपने? इससे अच्छा बजट नहीं लोगों को, ठीक है 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जब आप मुफ्त राशन दे रहे हैं तो उस पर क्रिटिसिज्म है कि ये साफ दिखाता है कि आप अभी भी नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है, आप मुफ्त भोजन बांट रहे हैं। दूसरी तरफ ये एक बड़ा इंडिकेटर तो है ही सर इकोनॉमी का, दूसरी तरफ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये जो मतलब खजाना खोला गया है 26,000 करोड़ बिहार को और 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, ये 282 सीट वाले बजट, 303 सीट वाले बजट और 240 सीट वाले बजट का ही तो फर्क है ना। अंजना जी इस बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि पूर्योदय होना चाहिए। हम और आप दोनों झारखंड से आते हैं और हमको मालूम है कि अगर पूर्वी भारत में अगर विकास न हो, तरक्की न हो, तो जो हम लोग जीडीपी पर कैपिटा और घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की बात करते हैं, जब तक पूर्वी भारत में विकास नहीं आएगा तब तक देश में विकास नहीं आएगा। और इसलिए जो पूर्योदय हो रहा है, जो बिहार में निवेश किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में निवेश किया जा रहा है, उससे झारखंड को भी फायदा होगा, आंध्र प्रदेश को भी फायदा होगा, बिहार को भी फायदा होगा, बंगाल आंध्रा को भी उसमें इंक्लूड किया गया है और श्रिम्प फार्मिंग वगैरह में भी काफी दिया गया है जिसमें आंध्रा काफी आगे है। तो ये पूर्योदय हम लोगों को मिलाकर इन राज्यों को तो लाना ही है। ये अनुकूल ये जो काम कर रहे हैं ये लोग, अनुकूल योजनाएं हैं, इस पे जरूर हम लोगों को निवेश करना है। सिन्हा जी, हम यूपी वालों ने क्या अपराध किया है? हम यूपी में बैठे, यूपी में बड़े से बड़े कॉरिडोर आ रहे हैं, इतना देखिए डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है।